के बारे में, जैसे कि आपको पता ही है कि वायरस क्यों क्या होता है, जो कि बीमारी किसी बीमारी को फैलाता है। हमने जैसे हमने कोरोना वायरस के बारे में पढ़ा, आजकल तो सभी मतलब सभी बहुत अवेयर हो गए हैं कि वायरस होता क्या है। बट आज हम इसका BSc फर्स्ट ईयर का चैप्टर जो इसका नाम है वायरसेस एंड पैथोजेंस, वो हम पढ़ेंगे। वायरसेस क्या होता है? जो नॉन सेलुलर, जिसमें सेल की प्रेजेंस नहीं होती, और ये इन्फेक्शियस अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एंड फिल्टरेबल होता है, और इसमें न्यूक्लियर प्रोटीन आइडेंटिटी भी होती है, जो क्या होता है न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है किसको, सेलुलर मशीनरी को, जब ये फ्री एनवायरनमेंट में एक्टिव होता है। और इस डेफिनेशन को हम विरोन भी कहते हैं। और जो जो भी हमारी वायरस की स्टडी होती है उसको हम वायरोलॉजी कहते हैं, और जो साइंटिस्ट जो कि इसको डिस्कवर करता है वायरस, इसको हम उसको वायरोलॉजिस्ट कहते हैं। जो वायरसेस की है, वायरस की डिस्कवरी हुई है, वो सबसे पहले लुईस पाश्कर ने की थी, जो क्या था, वॉज अनेबल टू फाइंड अ पॉजिटिव एजेंट रूबीज एंड स्पेचुलेटेड दैट न्यू पैथोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसने क्या मतलब फाइंड किया, पहले तो जब ये डिस्कवरी कर रहा था तो ये अनेबल था, कि ये फाइंड नहीं कर पाया था कि कोई पॉजिटिव एजेंट है जिसका नाम है रूबीज, और स्पेचुलेटेड का मतलब होता है गैस। इसने मतलब तुक्का लगाया कि ये जो जो हमारा न्यू पैथोजन है वो ही रिस्पॉन्सिबल है बीमारी फैलाने के लिए। बट बाद में इसने इन 1984 एक न्यू साइंटिस्ट आया जिसका नाम था चार्ल्स चैम्बर, एंड इन्वेंटेड अ फिल्टर इन विच द पोर साइज वॉज वेरी स्मॉल। जो हमारा चार्ल्स चार्बन था, जो कि फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, उसने एक वो फिल्टर इन्वाइट किया जिसका साइज़ क्या था, वॉज वेरी स्मॉल, दैट इवन देन द बैक्टीरिया टू फिल्टर द स्मॉल ऑर्गेनिज्म। जो क्या था, जो हमारा ऑर्गेनिज्म के भी, और जो हमारा ऑर्गेनिज्म, आपको पता कि ऑर्गेनिज्म कितना छोटा होता है, उससे ज़्यादा भी उसको हम फिल्टर भी कर सकते थे, मतलब स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो है उसको हम फिल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस फिल्टर वॉज डिवेलप्ड विद लुईस, जो ये फिल्टर है वो क्या हुआ था, लुईस के द्वारा डिवेलप किया गया था। सो इसका नाम क्या हो गया, पाश्कर चैम्बरलैंड फिल्टर। नेक्स्ट है हमारा इन 1892 जो हमारा रशियन बायोलॉजिस्ट है उसकी जिसका नाम है नमृति इवानवस्की, जिसने क्या किया, जिस जो जो फिल्टर डिस्कवर किया था उसने चार्ल्स चैम्बर ने, उसको उसने यूज़ किया तो डिजीज़ को स्टडी करने के लिए इन तंबाकू प्लांट में डिजीज़ को स्टडी करने के लिए उसने ये फिल्टर को यूज़ किया। और इसने नोटिस किया कि इसके अंदर कुछ समथिंग है तंबाकू प्लांट के अंदर, जो कि बैक्टीरिया से मतलब अलग है, बट वो फाइंड नहीं कर पाया कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है। फिर बाद में उसने इसको नाम दिया तंबाकू मॉस्किसिक वायरसेस, ठीक है। और आगे इन 1898 जो मैट्रिस बेनर्जिक है, जो जिसने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, और फिल्टर इसने क्या किया, स्मॉल ऑर्गेनिज्म को फिल्टर किया, जिसको हम क्या कहते हैं, कोटिंगम विवम फ्लोडियम, ये मतलब हमारे जो बैक्टीरिया जो उसने ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया उसका नाम है। लेटर ऑन ही गिव द टर्म वायरसेस फॉर दैट, जिसका इसने पहले नाम दिया था कोटिंगम विवम फ्लोडियम, उसको उसने बाद वायरसेस के बारे में मतलब वायरसेस का नाम दिया। तो ये थी हमारी डिस्कवरी। और नेक्स्ट हम करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये क्या है, ये नॉन सेलुलर होता है, और ये इनक्लोज्ड होता है प्रोटीन कोड और इनलोव, जिसको हम प्रोटीन कोड कहते हैं और कैप्सिड कहते हैं। मतलब कि जो हमारा वायरस होता है, वायरस के हमारे इंटरनल पार्ट के ऊपर एक कवरिंग होती है, जब प्रोटीन प्रोटेक्टिव इनलोव होती है, जिसको हम प्रोटीन कोड कहते हैं। आगे है ये, दे डू नॉट हैव साइटोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनेल, इसके पास साइटोप्लाज्म भी नहीं होता। दे हैव स्पाइक्स और फाइबर्स दैट हेल्प देम टू अटैच टू द होस्ट सेल, इसके पास स्पाइक्स और फाइबर्स होते हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं अटैच टू द होस्ट सेल के अटैच करने के लिए। दे डू नॉट रेस्पिराइज एंड डू नॉट हैव मेटाबॉलिज्म, ये रेस्पिराइज भी नहीं कर पाता और इसके पास मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक मटेरियल जो होता है, वो DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है। DNA आपको पता ही, DNA क्या कंटेन करता है, वायरस को हम क्या कहते हैं, डिऑक्सी वायरसेस, एंड RNA क्या कंटेन करता है, रियो वायरस। दे कंटेन फ्यू एंजाइम लाइसोजाइम एंड ट्रांसपीरेटेस, ये क्या करता है, इसके पास फ्यू एंजाइम होते हैं और लाइसोजाइम एंड ट्रांसपीरेटेस भी होता है। लाइसोजाइम क्या हेल्प करता है,
कि जो उस सेल को पेंट्रेट करने के लिए हेल्प करता है, और ट्रांसक्रिप्ट हेल्प क्या करता है, रेप्लिकेशन में। जो हमारे सारे वायरसेस होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। जो प्लांट वायरस होता है वो हमारा TMB में होता है, एनिमल वायरस रूबीस में, और बैक्टीरियल वायरस बैक्टीरियोफेज टीफेज में। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस क्या होता है, इन लोब होती है इसमें, जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड और DNA और RNA, कैप्सिड होता है और एंजाइम होता है। ये इसका मतलब जनरल स्ट्रक्चर है। अब इसके पार्ट को अच्छे तरीके से डिस्क्राइबली पढ़ेंगे। इन लोब क्या होता है, सम वायरसेस हैव इन लोब अराउंड दैम विच इज़ अ लूज कवरिंग मेड अप ऑफ प्रोटीन लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट के द्वारा बना होता है। लोब इज़ वेरी कॉमन हार्पस वायरसेस। हार्पस कॉमन मतलब इसके पास वायरस होता है जो कि वेरी कॉमन है, जिसके पास जिस वायरस के पास वहाँ लोब नहीं होती उसको हम नेक्ड वायरस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैप्सिड। कैप्सिड क्या होता है, इट इज़ अ प्रोटीन कोड विच इज़ अराउंड द जेनेटिक मटेरियल एंड एंजाइम्स, जो कि जेनेटिक मटेरियल और एंजाइम्स के अराउंड होता है। कैप्सिड हैज़ स्पेसिफिक नंबर, इसका एक स्पेसिफिक नंबर होता है, एंड अरेंजमेंट ऑफ सब यूनिट्स नाउन एज कैप्सोमर्स। और जो हमारी सब यूनिट्स की अरेंजमेंट होती है उसको हम कैप्सोमर्स कहते हैं। न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल इज इधर DNA और RNA। इट इज़ द इन्फेक्शियस पार्ट ऑफ द वायरसेस दैट यूज होस्ट मशीनरी टू फॉर्म न्यू वायरसेस। इसके 4 मतलब टाइप्स होते हैं, डबल स्टैंडर्ड DNA जो कि हार्पिस में होता है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA क्लियोफेज, डबल स्टैंडर्ड RNA रियो वायरस, और सिंगल स्टैंडर्ड RNA TMB में। नेक्स्ट है एंजाइम्स, लिजोजाइम एंड ट्रांसक्रिप्टेज। ये क्या होता है, कॉमन एंजाइम होते हैं वायरसेस में। लिजोजाइम क्या हेल्प करता है, पेंट्रेटिंग इन टू होस्ट सेल, होस्ट सेल में दौड़ने के लिए हेल्प करता है। और ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, RNA को DNA में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है टीफेज, जो क्या होता है, बैक्टीरियोफेज जिसको हम कहते हैं। वायरस इज़ कॉमनली नाउन एज बैक्टीरियोफेज एज इट कैन ओनली इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। द वायरस इज मेनली कंसिस्ट ऑफ हेड टेल विच इज़ डिफरेंशिएटेड बाय नेक एंड कॉलर। और जो जो इसका ये जनरल स्ट्रक्चर है, ये ऊपर हेड है, फिर कॉलर, फिर शेल्थ, और फिर टेल फाइबर्स। हेड क्या होता है, क्यूबिकल सिमेट्री होती है, जिसके पास 20 साइड्स होती हैं। लेंथ होती है इसकी 95 नैनोमीटर, और ब्रेथ होती है 75 नैनोमीटर। हेड इज़ हैविंग 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन और कैप्सिड। हेड के पास 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन और कैप्सिड होती है, और कैप्सिड के पास 200 कैप्सोमर्स भी होते हैं, 200। हेड इनक्लोसिस DS डबल स्टैंडर्ड DNA विच इज़ 50 μm इन लेंथ। इसको पता ही है, μm हम बोलते हैं। द रेशो ऑफ DNA एंड प्रोटीन इज 50:50, 50:50। द टेल इज स्ट्रेट हेलिक एंड कॉन्ट्राडाइल इन नेचर। इट इज़ 115 नैनोमीटर लॉन्ग एंड 70 नैनोमीटर इन डायमीटर। टेल कोर कंटेन लाइजोजाइम दैट हेल्प टू डिजॉल्व सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। टेल कोर के पास लाइजोजाइम होता है जो कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिजॉल्व करने में हेल्प करता है। एंड प्लेट इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन विच हैज़ 6 टेल फाइबर्स। एंड प्लेट के पास ऑल्सो प्रोटीन होता है जो कि जिसके पास भी 6 टेल फाइबर्स होते हैं। टेल फाइबर्स हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ वायरसेस सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं ये। TMB तंबाकू मॉस्किटोस वायरसेस, ये क्या होता है, लॉन्ग ब्रॉड शेप वायरस होता है विच इज़ 18 नैनोमीटर इन डायमीटर एंड 300 नैनोमीटर इन लेंथ। प्रोटीन एंड RNA रेशो इज 95:5, जिसका सेंट्रल कोर होता है RNA का, इज सराउंडेड बाय वायरस प्रोटीन। द कैप्सिड इज मेड अप ऑफ 2200 कैप्सोमर्स। द कैप्सोमर्स आर क्लोजली पैक्ड दैट अरेंज्ड इन हेलिक्स सिमेट्री दैट सराउंडेड जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल DNA और RNA। ईच कैप्सोमर हैव 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ 158 अमीनो एसिड्स। द मॉलिकुलर वेट ऑफ कैप्सोमर इज 17500 डेल्टन। There are 30 turns in total structure and each turns have 16 capsomers. There are 6500 nucleotides in RNA and each turns have 49